तो यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की मोलालिटी जिसे हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें टू फाइव ठीक है तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के ठीक है तो ये होता है मोलालिटी का फॉर्मूला ठीक है और यहाँ पे हमें गिवन है एन सॉल्यूशन तो बेसिकली एन सॉल्यूशन का मतलब होता है एन इसमें सल्यूट है और वाटर इसमें सॉल्वेंट है ठीक है तो यहाँ पे हमें ये मोलालिटी वन पॉइंट वन पॉइंट टू फाइव गिवेन है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इस ये जो एन का सोल्यूशन है इसमें वन मोल्स जी सॉलमेंट ठीक है तो हम लोग इस डेटा से ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि इसका मोलालिटी 1.25 है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 1.25 पॉइंट टू फाइव मोल्स ऑफ एन एच आर प्रेजेंट इन

परसेंटेज वेट ऑफ एनएच ठीक है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ एन डिवाइड बाय टोटल वेट मतलब वेट ऑफ एन प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इन टू हंड्रेड ठीक है तो ये हो गया परसेंटेज वेट अब अगर इसे हम लोग सॉल्व कर ले तो हमारे पास आएगा फिफ्टी अपॉन वन जीरो फाइव जीरो ठीक है और इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4.76 ठीक है तो मतलब Uh, हमारा आंसर क्या हो गया हमारा आंसर होगा तो हमें अब इसे में खोज लेना है तो हम लोग देख सकते हैं कि जो सी ऑप्शन के है वो, वो वही है जो हमने निकाला है मतलब सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आईआईटी आई टी और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर